ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एंटिटी हैं, जैसे कि क्लब, लाइब्रेरी या कोई फाउंडेशन, एनजीओ। इन सब के पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होते हैं कि वो रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएं, और उनके पास इतना साधन भी नहीं होते हैं कि वो लोग टैली या दूसरा कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर खरीदें। तो उन लोगों को कैसे अकाउंट्स मेंटेन करना है, इसका संदर्भ में आज का ये वीडियो है। तो अगर आप ऐसे कोई क्लब, लाइब्रेरी, एनजीओ, फाउंडेशन या सोसाइटी चला रहे हो और आप ट्रेजरर हो या सेक्रेटरी हो और आप पे ये जिम्मेदारी है कि आप अकाउंट्स का रिकॉर्ड जो है उसको अच्छे तरीके से बनाओ, तो आप कैसे एक्सेल में ये सारे अकाउंट्स को बनाएंगे, इसका टिप्स आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कुछ बेसिक बातें आपको याद रखने होंगे, जैसे कि ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्लब, लाइब्रेरी, एनजीओ, ये सारा नॉट फॉर प्रॉफिट सेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, और इसलिए इन लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता है, बल्कि इन लोगों का रिसीट पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। साथ साथ फाइनेंशियल अफेयर्स बताने के लिए बैलेंस शीट भी बनाया जाता है, और ये बैलेंस शीट बनता है ईयर एंड में, 31 मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के डेट पे ये बैलेंस शीट बनती है। अब आपको हर महीना कैश बुक मेंटेन करने होंगे, और कैश बुक और रिसीट पेमेंट बुक में कुछ अंतर है। जैसे कि अगर आपने बैंक से पैसा उठाई या बैंक में पैसा जमा किए, तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो रिफ्लेक्शन कैश बुक में आ जाएगा, पर रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में देखिए जो पैसा आया आपके पास या जो पैसा गया उसी का रिकॉर्ड होता है, पर जो कैश टू बैंक या बैंक टू कैश ट्रांजेक्शन होता है उसका रिकॉर्ड जो है वो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट पे नहीं होता है। इसलिए हम सभी सजेस्ट करते हैं कि आप रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाने के साथ साथ कैश बुक बनाइए। कैश बुक जो है और रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट जो है, दोनों ही स्टार्ट होते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक से, और दोनों का ही क्लोजर होता है कि मंथ एंड में या ईयर एंड में जो कैश बैलेंस है इन हैंड और इन बैंक उससे। तो दोनों का जो बैलेंस है वो बैलेंस सेम होंगे, पर जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा अलग होंगे। आप चाहे तो इंडिविजुअल लेजर भी बना सकते हैं, जैसे कि अगर आपका कोई सोसाइटी है जहाँ पे 20 मेंबर है या 50 मेंबर है, तो आप अलग अलग लेजर बना सकते हैं, और जहाँ पे मंथली पैसा आता है जैसे मंथली इंस्टॉलमेंट या मंथली कलेक्शन, या मान लीजिए कोई आप चार्जेस लेते हैं, फीस लेते हैं, तो उसका अलग से आप लेजर बना सकते हैं। लेजर बनाने का सबसे बढ़िया फायदा ये होते हैं कि आपको तुरंत मालूम चल जाता है कि किससे पैसा आपको मिलेगा, और किसी ने पैसा अगर एडवांस दिया है तो वो भी आप इजिली ट्रैक कर सकते हो। तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपको आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो निकालने होंगे। ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट होने का मतलब है कि किससे कितना पैसा आपको मिलेगा या किसको कितना पैसा देना होगा। सेम तरीके से अगर किसी ने आपको एडवांस पेमेंट कर दिए, या फिर अगर आप किसी को एडवांस पेमेंट कर दिए हो, दोनों तरीके का हो सकता है, पैसा आ भी सकता है, पैसा जा भी सकता है, इन एडवांस दोनों को ही आपको रिकॉर्ड करने होंगे। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करने होंगे। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से आपको जो मिलेगा वह है सरप्लस और डेफिसिट, और ये सरप्लस या डेफिसिट जो है वो आपका कॉर्पस फंड में या जो बैलेंस शीट है वहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। तो आपको ऐसे ही एक क्लब, लाइब्रेरी, एनजीओ और नॉन प्रॉफिट सेकिंग एंटिटी का अकाउंट्स मेंटेन करना है। तो अगर आपको इस सिलसिले में कोई भी यूजफुल जानकारी आपको चाहिए, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे अगला वीडियो लेके। ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स।